हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त सॉलिड बॉडी। तो मैं आपका दोस्त गौरव जीएम आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 23 सितंबर 2022 की करंट अफेयर। तो जितने भी 23 सितंबर से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे, वे सब हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो सभी भाइयों बहनों ने देख ली होगी और सभी क्वेश्चनों को याद भी कर लिया होगा। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को याद करते रहिए और परीक्षा में अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको उड़ा डालना है, ठीक है? पूरे 100 में से 100 करके आने हैं जो आपको इसमें से मिलेंगे, ठीक है? एक भी नहीं छोड़ने का, सब हल करने का, ठीक है? चलते रहिएगा, देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारी अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ठीक है? चलते रहिएगा। गोली गिरफ्तार से आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? इम्फाल। ये कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी, ठीक है? चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर दो। हाल ही में भारतीय सेना किस राज्य की पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी? तो किस राज्य की? असम राज्य की पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी, ठीक है? याद रखना। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गोली गिरफ्तार से क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया हुआ है। हाल ही में टी ट्वेंटी आई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो कौन शीर्ष पर रहे हैं? ये रहे हैं मोहम्मद रिजवान। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी है, ठीक है? याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है? तो किसने? महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है? याद रखना, चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो किस बैंक के साथ? HDFC के साथ, ठीक है? HDFC बैंक। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, देखते रहिएगा क्या दिया हुआ है। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? UNEP, ठीक है, इसके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर एट। हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? एल्विस अली, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नौ। हाल ही में अडानी पोर्ट्स को किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखना। चलते रहिएगा आज का दसवां क्वेश्चन। हाल ही में ADB ने 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%, ठीक है, याद रखना। चलते रहिएगा गोली गिरफ्तार से 11वां क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने PM केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? रतन टाटा को, ठीक है, याद रखना। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 12। हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही होगी वीडियो। जिन भाइयों को अच्छी लग रही है तो वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करते रहें और जो भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप सभी के सभी PDF डाउनलोड करते जाइए और इनको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और दिमाग में छापते जाइए, ठीक है? जल्दी कीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है? दोनों में मजा लो अच्छे तरीके से, आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर करंट अफेयर वहीं पर अपलोड मिलेगी, ठीक है? करंट अफेयर में सबसे पहले टेलीग्राम में अपलोड करता हूँ, उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है? चलते रहिएगा, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? इंडिया ने, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? तो किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? वाराणसी से बोगी बिल के बीच, ठीक है, याद रखना। चलते रहिएगा क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 15। हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? राधिका बत्रा को, ठीक है, याद रखना। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 16 क्वेश्चन। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ICICI प्रोड्यूसर म्यूचुअल फंड्स ने, ठीक है, याद रखना। चलते रहिएगा क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस कंपनी को राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, मतलब RINL को, ठीक है, याद रखना। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में कौन सा देश महिला T20 एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश, ठीक है, चलते रहिएगा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ,
अभी जो T20 2022 पुरुष विश्व अभी एशिया कप हुआ था उसमें उसका विजेता कौन रहा है? श्रीलंका, ठीक है, याद रखना। और उप विजेता कौन है जिसके साथ टक्कर थी? वह था पाकिस्तान, ठीक है, उसको उन्होंने धूल चटा दी पाकिस्तान को, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो किस पार्टी में हो गए? बीजेपी में, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में टाइफून नारमाडोल किस देश से टकराया है? तो किस देश से टकराया है? जापान से, ठीक है, याद रखना। देखिएगा 21 क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने माया नामक दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है? तो किसने बनाया है? चाइना ने, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्या दिया हुआ है? हाल ही में नौसेना के किस जहाज ने नाइजीरियाई नौसेना के गश्ती जहाजों के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो किसने लिया है? INS तरकस ने, ठीक है, याद रखना। देखिएगा 23 क्वेश्चन, भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? REC, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक और वीर बाल स्मारक का लोकार्पण किसने किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। आज की वीडियो में यहीं तक, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, देखते रहिएगा, मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ भाइयों को अच्छी वीडियो लगी होगी बिल्कुल, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहें और भरपूर लाभ उठाएं, ठीक है। और इस वीडियो का PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय, टाटा बाय।